वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं J13 चैनल। तो हम बात करते हैं ब्यूटीफुल नेचर की, खूबसूरत कुदरत। अगर आप खुश हैं तो आपको हर जगह पे खुशी मिलेगी आपको, और हर चीज़ में आप खुशी देखेंगे। अगर आप उदास हैं, मन अशांत है, तो आपको कहीं भी खुशी नहीं मिल सकती, आप चाहे कहीं भी जाएं। इसके लिए हम खुशी के लिए बहुत भागते दौड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मन अशांति कई बार रहता है, तो हम कुदरत से कुछ सीखते नहीं हैं। ये देखिए, अकेला फूल है ये इसके दूसरी कोई वैरायटी है ये फूल की, लेकिन ये खिला हुआ अकेला है और मस्त है, खुश है, खिला हुआ है बिल्कुल। इसको ये परवाह नहीं कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन एक इंसान ऐसा है कि वह जब अकेला पड़ जाता है तो वो साथ ढूंढता दूसरे का और अकेलापन महसूस करता है। लेकिन ये नेचर हमें सिखाते हैं कि आप अकेले हों या आप बहुत से इकट्ठे हों, लेकिन हर समय आप खुश रहना सीखिए। और ये खुशी जो है ये कुदरत सिखाती है हमें, लेकिन अफसोस ये है कि हम कुदरत की ओर ध्यान ही नहीं देते, हम अपने में मस्त रहते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप में अनुभव करने का है, साहस है आप में और तरीका है आपको, तो आप कुदरत की हर चीज़ में खुशी ढूंढेंगे, आप हर चीज़ में आपको खुशी मिलेगी। लेकिन अफसोस ये है कि हम कुदरत से दूर होते जा रहे हैं, और इसीलिए हम उदास रहते हैं, माने हमारे अशांत रहते हैं। हम जहाँ पे खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, आगे से आगे मृग तृष्णा की तरह से आगे भागते रहते हैं, खुशी हमें कहीं मिलती नहीं। वही फिर होता है कि हम वहीं पे मुड़ के आ जाते हैं उदासी में। तो इसलिए आइए, कुदरत से हम खुशी कैसे प्राप्त होती है सीखें। धन्यवाद।